आज हम पढ़ेंगे बाउचेरिया। बाउचेरिया जो है वो ज़ैंथोफिसी में आता है, एल्गी है और ज़ैंथोफिसी ग्रुप में आता है। ज़ैंथोफिसी ग्रुप में जितने भी एल्गी आता है उसका कलर रहता है योलो ग्रीन। योलो ग्रीन कलर के एल्गी होता है बाउचेरिया। और ज़ैंथोफिसी में जो योलो ग्रीन कलर होता है वो क्यों होता है? क्लोरोफिल ए, ई, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स इसमें पाया जाता है। इसमें जो भी कलर पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए, ई, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए इसका कलर होता है योलो ग्रीन, ठीक है। और रिजर्व फूड मटेरियल मतलब फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल ज़ैंथोफिसी के एल्गी बनाते हैं वो ल्यूकोसिन, क्राइसोलेमिनेरिन एंड ऑयल ड्रॉप्स के रूप में कलेक्ट रहता है। जो भी रिजर्व फूड मटेरियल मतलब जो फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं वो किस रूप से कलेक्ट रहता है? ल्यूकोसिन, क्राइसोलेमिनेरिन और ऑयल ड्रॉप्स, ये तीन रूप में इसमें कलेक्ट रहता है। और इसके सेल वॉल ज़ैंथोफिसी में सेल वॉल सेलुलोज एंड पेक्टिन का ही बना होता है। इसके जितने भी थैलस होते हैं वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक मतलब यूनिसेल्यूलर, मतलब जितना भी बड़ा ब्रांचिंग हो, जितना भी बड़ा थैलस हो, एक ही सेल का बना होता है, बीच में कोई सेप्टा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाया जाता है और एक ही सेल का बना होता है। इस टाइप के थैलस को बोलते हैं सिनोसिटिक। थैलस सिनोसिटिक होता है, यूनिसेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक सेल का बना, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इरेगुलरली ब्रांच मतलब अनियमित टाइप शाखा प्रशाखा निकलते हैं, बहुत किसी भी जगह से बहुत सारे ब्रांचिंग निकलता है। इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, फिलामेंटस, और इसके अंदर पायरिनोइड्स एब्सेंट रहते हैं, पायरिनोइड इसमें नहीं पाया जाता। बहुत सारे क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स पाया जाता है जो डिस्कॉइड टाइप होता है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। और इस थैलस के नीचे एक छोटा सा राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिससे किसी जगह पानी के नीचे वाटर और स्टोन में चिपका हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के जो एल्गी होता है इसको बोला जाता है एपीफाइटिक। एपीफाइटिक एल्गी जो है वो किसी जगह में चिपका हुआ पाया जाता है। और इसके जो सेल है इसका जो साइफोन टाइप, साइफोन मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पूरे ट्यूबुलर साइफोन लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है इसका टीएस काटने से हमको इस टाइप का दिखेगा, क्योंकि बीच वाला जो भाग रहता है पूरा खाली, बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल मतलब खाली स्पेस, ठीक है। जो भी क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस रहता है वो किनारे किनारे रहता है, पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के किनारे किनारे क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस और सेलुलोज, सेल वॉल जो है सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, सब किनारे रहता है, बीच का वैक्यूल रहता है। इसलिए इसका जब टीएस कटेंगे तो बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल दिखेगा, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल, या वैक्यूल के चारों तरफ किनारे किनारे क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स और न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लियस और बाकी जो गोलाकार स्ट्रक्चर ज्यादातर क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स और साइटोप्लाज्म रहता है इसमें, ठीक है। ये था थैलस का टीएस और ये था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तीन मेथड से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन से मतलब कोई भी इतना बड़ा लंबा थैलस होता है इसका किसी भी पार्ट खराब हो जाता है या इस थैलस से अलग हो जाएगा तो अलग थैलस जो है नया थैलस बनाते हैं, ठीक है। वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है या सड़ जाता है, कोई भी कारण से थैलस का कोई भी पार्ट थैलस से अलग हो जाता है तो उससे नया थैलस बनता है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन मेथड से होता है, बाई एप्लेनोस्पोर, बाई जूस्पोर और बाई हिप्नोस्पोर। तीन टाइप के स्पोर्स इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बाई एप्लेनोस्पोर। तो जो थैलस रहता है उसके एप्लेनोस्पोर जब बनना होगा तब थैलस के ऊपर का भाग जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि नीचे से ज्यादा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऊपर चला जाएगा,
ज्यादा से ज्यादा थैलस के ऊपर के भाग में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस चला जाता है। उसके बाद ठीक उसके नीचे एक सेप्टा बन जाता है। सेप्टा बना के ये बाकी थैलस से ऊपर का भाग अलग हो जाता है। ठीक है, ऊपर का भाग अलग होने के बाद क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा। साइटोप्लाज्म सिकुड़ के इसके चारों ओर मोटे वॉल का सेक्रेशन करते हैं और बहुत दिन तक रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं। कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ही इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसलिए चारों ओर मोटे वॉल का सेक्रेशन करके रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहेगा। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा या अनुकूल वातावरण मिलता है, उस समय इस सेल के अंदर के जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करके नया थैलस बनाएगा। ठीक है, इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको बोलते हैं बाई एप्लेनोस्पोर, क्योंकि इसमें जो गोलाकार स्ट्रक्चर बना उसको एप्लेनोस्पोर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है बाई जूस्पोर। जूस्पोर में क्या होता है, इसमें भी जो थैलस है उसके ऊपर के भागों में ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म चला जाता है जूस्पोर बनने से पहले। ठीक है, चला जाएगा और ऊपर का भाग क्या होता है, फूल जाता है। फूलने के बाद एक सेप्टा से अलग हो जाता है। एक सेप्टा बन गया, सेप्टा से नीचे के थैलस से ऊपर का भाग अलग हो गया। अब ऊपर के भाग के जितने भी न्यूक्लियस है उससे क्या होता है, दो दो फ्लैजेला निकलते हैं। हर न्यूक्लियस से दो दो फ्लैजेला निकलेगा, एक ही सेल बनेगा। साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद उसके जितने भी न्यूक्लियस है दो दो फ्लैजेला बन जाता है, मतलब एक सेल और बहुत सारे मल्टी फ्लैजिलेट। इसको बोलते हैं सिंजुस्पोर। इस टाइप के जो स्पोर बनता है इसको हम बोलेंगे सिंजुस्पोर। ठीक है, वॉल को रप्चर करके ये सिंजुस्पोर बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद क्या होता है, इसमें इनवर्शन होता है। इनवर्शन मतलब ये पलट जाता है। इसके अंदर के जो न्यूक्लियस है वो बाहर चला जाता है और क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स जो है अंदर आ जाता है। क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स और न्यूक्लियस बहुत सारा रहता है, तो क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स अंदर आ जाता है, न्यूक्लियस बाहर, और हर न्यूक्लियस से दो दो फ्लैजेला। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिंजुस्पोर। अब सिंजुस्पोर जो है वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद इसके पूरे फ्लैजेला गायब हो जाएंगे और इसके न्यूक्लियस डिविजन करके नया थैलस बनाएगा। ये था बाई जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जूस्पोर। ठीक है, और एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है जिसको बोलेंगे बाई हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर में क्या होता है, जो थैलस है इसके बीच बीच में जिलेटिनस क्रॉसवॉल, थैलस के बीच बीच में, यूनिसेलुलर थैलस है, मल्टीसेलुलर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जिलेटिनस जिलेटिन जैसा स्ट्रक्चर बीच बीच में इकट्ठा हो जाता है। जहां जहां जिलेटिन इकट्ठा हो गया उस जगह से थैलस अलग हो जाएगा। तो अंदर का भाग जो है उसको हम बोलते हैं हिप्नोस्पोर। तो हिप्नोस्पोर क्या कहते हैं, सेल वॉल रप्चर हो जाता है, बाहर निकल जाता है हिप्नोस्पोर, और उस हिप्नोस्पोर के सेल न्यूक्लियस जो है डिवीजन करके नया थैलस बनाएगा। ठीक है, ये एक टाइप के एल्गी जैसा दिखता है। ये जब हिप्नोस्पोर पूरा बन जाता है तो मल्टी सेलुलर दिखने लगता है, और एक एल्गी है गोंग्रोसीरा, उस एल्गी जैसे दिखता है, इसलिए इसको गोंग्रोसीरा स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले ये थैलस जो है इसमें छोटे छोटे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। थैलस में छोटे छोटे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक आउटग्रोथ थोड़ा सा हुक लाइक मुड़ जाता है, हुक जैसे मुड़ जाएगा, और इसका आकार जो है बढ़ जाता है और ज्यादा ये कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, कॉइल्ड होने के बाद क्या होता है, एक सेप्टा से अलग हो जाएगा, बाकी थैलस से एक सेप्टा बना के अलग हो जाता है आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जब मुड़ के एक हुक लाइक हो गया उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, उसको एंथ्रीडियम बोलेंगे। ठीक है, एंथ्रीडियम के साइड में ही और एक आउटग्रोथ बनता है उगोनियम। तो एंथ्रीडियम में बहुत सारा मल्टी न्यूक्लियस है, सो मल्टी न्यूक्लियस जो है, जितने सारे मल्टी न्यूक्लियस है उतने सारे ये एंथ्रीजॉइड्स बनाएगा। हर न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके एक एक एंथ्रीडियम बनाएगा। ठीक है, उस एंथ्रीडियम से क्या बनता है, एंथ्रीजॉइड्स, इसको हम बोलेंगे एंथ्रीजॉइड्स। ठीक है,
सबसे पहले एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर हुआ, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुड़ जाता है और बहुत ज्यादा मुड़ता है, हुक शेप हो जाता है, और हुक शेप होने के बाद वो एक सेप्टा से अलग हो जाता है, ठीक है, ऊपर का भाग सेप्टा से अलग होने के बाद ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस है वो एंथ्रीडियम बनाता है, और उस एंथ्रीडियम जो है वो चारों तरफ के थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड एंथ्रीजॉइड्स बनाएगा, ठीक है। अब इसके साइड में ही एक छोटा सा आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है ओगोनियम, ओगोनियम के जो सेल है उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, इसके न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस एक्टिव होके एक जैसा काम करने लगता है, एक न्यूक्लियस इसके अंदर एक्टिव होके एक जैसा काम करेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला नुकीला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे बीक, वो बीक खराब हो जाता है, रप्चर हो जाएगा, रप्चर होने के बाद जितने भी एंथ्रीजॉइड्स बना वो एंथ्रीजॉइड्स इस बीक से अंदर चला जाता है और इसके अंदर के न्यूक्लियस से फ्यूजन करके ये बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट या उस्पोर बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट और उस्पोर बनाएगा, ठीक है। उस्पोर बनने के बाद उस्पोर चारों ओर से बहुत सारे लेयर बना लेता है और रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं। अब ये जाइगोट या उस्पोर जो है ये मल्टी लेयर, बहुत सारे लेयर होता है, धीरे धीरे वो लेयर खराब हो जाता है और इसके जो न्यूक्लियस है उससे जर्म ट्यूब निकलता है, ठीक है। जर्म ट्यूब निकलने के बाद सबसे पहले मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन से बहुत सारा चार न्यूक्लियस बनाएगा और चारों न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करेगा, आठ न्यूक्लियस बनेगा और आठों न्यूक्लियस जो बनता है उससे जर्म ट्यूब निकल के यह जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब निकल के नया थैलस बन जाता है, ठीक है। जैसे उस पोर सबसे पहले और एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा थैलस में और वो मुड़ता जाएगा, कॉयल हो जाता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसका शेप कैसा हो जाता है, हुक जैसा, और कॉयल हो जाएगा और कॉयल होने के बाद एक सेप्टा से बाकी थैलस से अलग हो जाता है, फिर ऊपर में मल्टी न्यूक्लियस रहता है क्योंकि थैलस जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो जितने भी मल्टी न्यूक्लियस है उतने एंथ्रीडियम बनता है, उतने न्यूक्लियस जो है अपने चारों ओर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके एंथ्रीडियम बना जाए, उस एंथ्रीडियम से बनेगा एंथ्रीजॉइड्स, तो एंथ्रीजॉइड्स भी बहुत सारा बन गया और उसके साइड में ही एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो ओगोनियम का काम करता है, उसमें एक ही न्यूक्लियस एक्टिव रहता है जिस वो एक जैसा काम करेगा। तो क्या होता है, एंथ्रीजॉइड्स के ऊपर का एंथ्रीडियम के ऊपर का भाग रप्चर हो जाएगा, उससे पूरे एंथ्रीजॉइड्स निकल के इसके अंदर आ जाएंगे और फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। डिप्लॉयड जाइगोट जो है उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, उसके न्यूक्लियस चार भागों में बढ़ जाएगा, फिर उसमें माइटोसिस होगा तो बहुत सारा बनेगा और उतने सारे जितने न्यूक्लियस है उतना थैलस बन जाता है। इस टाइप से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है।